भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। अपने अंतिम पड़ाव की तरफ अग्रसर इस यात्रा का गुजरात में रविवार को अंतिम दिन रहा। सूरत के मांडवी से शुरू हुई इस यात्रा का बारडोली के अमर जवान चौक पर स्वागत किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बारडोली स्थित स्वराज आश्रम जाकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन किया। यहीं सरदार चौक पर अपने सार्वजनिक संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। राहुल ने भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए, इसका हवाला देते हुए कहा कि यह नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। कांग्रेस सांसद ने नोटबंदी और GST लाने के पीछे मोदी सरकार का लक्ष्य छोटे व्यापारियों को खत्म करना बताया। इसके साथ ही उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस आजादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देगी और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेगी। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागे और अपनी आवाज उठाए। इंडिया आपके साथ है। यात्रा के बाद कांग्रेस नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं। 11 मार्च को यात्रा का विश्राम रहेगा और 12 मार्च को दोपहर 2 बजे से यात्रा महाराष्ट्र से को लेकर पूरे देश में हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान भी करने वाला है। इन सभी तैयारियों के बीच चुनाव आयोग से आ रही खबर ने सबको चौंका दिया है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। चुनाव आयोग में एक चुनाव आयुक्त का पद पहले से ही खाली था और अब दूसरे चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद यहां केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हुए हैं। अब लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन पहले आए इस इस्तीफे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि चुनाव आयुक्त ने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि इस बार BJP की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अरुण गोयल। गोयल के इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ओमिशन, लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा क्यों? उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर हमने स्वतंत्र संस्थाओं का खत्म किया जाना नहीं रोका तो लोकतंत्र पर तानाशाही कब्जा कर लेगी। वहीं कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने भी मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ECI जैसी संवैधानिक संस्था में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है, केंद्र सरकार उन पर दबाव डालती है। आपको बता दें, इसके पहले अरुण गोयल की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए थे। ADR ने सरकार और इलेक्शन कमीशन पर खुद के फायदे के लिए अरुण गोयल की नियुक्ति करने का आरोप लगाया था। बीते साल EC की नियुक्ति के कानून में भी बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार की पसंद से होगा। इसलिए अब आगामी लोकसभा चुनाव में पारदर्शिता पर गहन सवाल खड़े हो। लोकसभा चुनाव से पहले BJP की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जहां BJP अपने उम्मीदवार घोषित करने की प्रक्रिया में है, वहीं आए दिन BJP का कोई न कोई नेता या सांसद पार्टी छोड़ दे रहा है। हरियाणा के हिसार से मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने भाजपा छोड़ दी है। BJP से इस्तीफा देने के बाद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे और पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई। बाद में खड़गे ने उन्हें कांग्रेस में आने की हरी झंडी दे दी। सांसद ने पार्टी छोड़ने की वजह पूछे जाने पर बताया कि कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें निर्णय लेना पड़ा। किसानों, अग्निवीर, महिला पहलवान जैसे कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर वे भाजपा में असहज थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इनके लिए लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। आपको बता दें कि ब्रजेंद्र सिंह किसान नेता सर छोटू राम के परनादी हैं। उनके पिता चौधरी बीरेन्द्र सिंह भी भाजपा से केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और दोनों ने ही हरियाणा में भाजपा का जजपा के साथ गठबंधन का पुरजोर विरोध भी किया था। जाहिर है अपनी पार्टी के फैसलों पर मतभेद के चलते ब्रजेंद्र सिंह ने ये फैसला लिया है। बीते दिन पश्चिम बंगाल के झारग्राम से सांसद कुनार हेम्ब्रम ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आसनसोल से उम्मीदवार बनाए गए पवन सिंह ने भी BJP के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। एक के बाद एक मिल रहे झटके BJP के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं।